such a sweet surprise, na? Achha laga? याद है अवनी, हमने आपस में क्या वादा किया था कि हमारी शादी सही मायने में तब पूरी होगी जो हमारे परिवार एक हो जाएंगे और आज वो इम्पॉसिबल लगने वाला चमत्कार भी पूरा हो गया और फिर ये स्पेशल रात भी आ गई मैंने गुड मॉर्निंग कहा, गुड नाइट नहीं, उठो चलो। वाह, मेरी ये विश भी पूरी हो गई। कौन सी विश? यही कि तुम मुझे रोज सुबह ऐसे ही उठाओगी। मुझे बस ये बारिश की बूंदें चाहिए और कुछ नहीं। पक्का? और कुछ नहीं? तो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, बहुत सारा काम। कम कम एक किस भी चाहिए? नो। तो व्हाई ओनली एक किस? राज, बच्चों की तरह जिद मत करो। हाँ मैं बच्चा हूँ और जिद नहीं करूंगा। तुम तो मुझे किस नहीं देना, मैं जिद करूंगा। मैं कम ऑन, गिव मी अ किस। तुम्हें पता टाइम क्या हो रहा है? अवनी, किस देने के लिए कोई टाइम नहीं। राज, नो।
Avani, please. अच्छा, okay, okay. आगे बंद करो. With pleasure. Avani, this is cheating, यार. This is cheating, हाँ? तुमने गाल पर किस किया है? अब तुमने कहा था तुम्हें किस चीज़? कहाँ चाहिए? तुमने नहीं बताया था, ठीक है? Avani. पूरी लाइफ बाकी ओके जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा अपनी अपनी प्लीज अरे अरे बाब मी तुमने सुबह उठकर ब्रेकफास्ट भी लगा दिया भाई मुझे तो लगा था कि आज तुम लंच टाइम तक सोते ही रहोगे हमें कल लेट नाइट हुआ होगा ना नहीं जी जी वो मुझे आदत है जल्दी की मतलब जल्दी उठने की मैं वो अपने घर भी जल्दी उठ के नाश्ता बना देती तो वैसे राज कहाँ है क्या वो बस वो आ गए गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग आई एम सो सॉरी मुझे लेट हो गया वो क्या है ना वो सुबह सुबह कॉल्स और होटल का काम यू नो ना ओहो हाँ हम सब समझते हैं हाँ बहुत काम होता है जब नई नई शादी होती है ना तो बहुत ज्यादा काम होता है हाँ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि क्या और कितना काम था तुझे तुम्हारे गालों में इटिंग हो रही है क्या क्या बार बार ये कर रही हो तुम मैंने कुछ गलत किया जाओ जाओ देखो क्या हो गया Avani क्या हुआ कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम भी ना ये लिपस्टिक का मार्क पूछ के नहीं आ सकते थे सब हमारे ऊपर हंस रहे थे अरे आप सो सॉरी मुझे पता ही नहीं था लेकिन उन्हें तो पता है कि हम शादीशुदा हैं और अगर शादीशुदा है तो व्हाट डोंट वरी मैं लिपस्टिक नहीं लगा था अक्षत भैया अरे भाई अब तो तुम लोग ऑफिशियली मैरिड हो तो फिर किस बात पे बहस चल रही है वही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि किस बात पर आर्गुमेंट हो रही है नहीं नहीं भैया कुछ नहीं चलो कोई बात नहीं अब तुम पग फेरे के लिए तैयार हो जाओ अरे भाई घर पे सब लोग तुम्हारी खातिरदारी के लिए जोरदार से तैयारियां कर रहे हैं सावी देखो मैंने ये सब बनाया कम तो नहीं पड़ेगा ना और मीठे में हलवा बना रही हूँ कैसा रहेगा भाभी इतना सारा शाही भोग बना दिया फिर भी आपको डर है कि कुछ कम ना पड़े भाभी खातिरदारी करो भी तो किसकी भाभी आप ये बात कैसे भूल सकते हो कि आभास का खूनी उसी घर से था राज का सगा मामा भाभी और फिर जो कुछ हुआ उसके बाद उनसे रिश्ता तोड़ने के बजाय आपने तो उन्हें अपना सगा संबंधी मान लिया और अब उनकी खातिरदारी में भी लग गए वाह भाभी वाह मानना पड़ेगा आपका दिल सच में बहुत बड़ा सावरी ये गुस्से और बदले की भावना से कुछ हासिल नहीं होता चीजें बिगड़ती ही हैं बहुत रह चुके ऐसे माहौल में अब और नहीं लेकिन भाभी जो कुछ हुआ ना उसके बाद मैं अचानक उनकी ललक चप्पू करने लगूं ऐसी उम्मीद मुझसे रखना भी मत सावरी जो कुछ भी उसमें राज और अवनी की क्या गलती है वो दोनों तो बेचारे अपनी जान पर खेलकर उन्होंने विराट की पोल खोली है और मेरे साथ जो अतीत में हुआ उसके लिए आज तक मुझे दोषी ठहराया जाता है ऐसा मैं राज और अवनी के साथ नहीं होने दूंगी इसीलिए तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं लेकिन अगर तुम नहीं शुरुआत कर सकती और यहाँ से जाना चाहती है तो कोई बात नहीं मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी अरे ये भाभी भी ना बहुत सीधी है दुनियादारी की समझ ही नहीं उनको इसी को तो समझदारी से काम लेना पड़ेगा ना अरे दूध का जला भी छास फूक फूक के पीता है मैं इतनी आसानी से इनके झांसे में नहीं आने वाली हाँ
बहुत सुंदर लग रही है। अवनी, तेरी विदाई में अच्छे से नहीं कर पाई, लेकिन शादी के बाद की सारी रस्में अच्छे से करना चाहती हूँ। अर्पिता, इनके लिए नाश्ता लेके आती। चल माँ, मैं ले आती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ चलकर बैठोगी। अवनी तुम जाओ, मैं माँ की मदद करता हूँ। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम तो हमारे दामाद हो। अरे आप सब दामाद दामाद क्या कर रहे हो? मैं तो आपको वही पुराना राज हूँ, प्लीज। और माँ आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। और भूलना मत, अवनी की माँ की एक और बेटी है उनका ख्याल रखने के लिए, तो तुम आराम से बैठो। चलो चलो, आइए दामाद जी, जरा जी आइए। आप बैठ जाइए। कैसी बातें करी अवनी, दामाद जी आए मैं कैसे बैठ जाऊं? चल तू बैठ जा। चल, मुझे कुछ कहना है। अगर ये सब होने वाला तो मैं वापस जा रहा हूं। हाँ लेकिन दामाद जी, क्या हुआ? मैं रखूंगा तो सिर्फ एक शर्त पर। ओ, मतलब अब हमें तुम्हारी डिमांड भी पूरी करनी पड़ेगी? हाँ, है मेरी डिमांड। अगर अवनी इस घर की बेटी है तो मैं भी इस घर का बेटा हूं। मुझे ये दामाद वाला सम्मान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक बेटी की तरह ट्रीट कीजिए। बस हम सिर्फ इतना चाहते हैं। आइए। राज, ये तुम्हारे लिए। हाँ, ये स्वेटर तो आपस में। नहीं माँ, मैं नहीं ले सकता। अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुम इस घर के दामाद नहीं बल्कि बेटे हो। मैंने ये स्वेटर बहुत प्यार से अपने बेटे आभास के लिए बनाया था। प्लीज मेरी खुशी के लिए इसे स्वीकार करो। राज बेटा, भावना ने जो तुम्हें एक गिफ्ट दिया है वो तो अनमोल है। मैं उसकी बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूं। ये लो। बेटा, ये सब तुम्हारे लिए। डैड, ये प्रॉपर्टी पेपर्स, होटल्स। राज बेटा, ये सब आभास के लिए था, लेकिन अब ये सब तुम्हारा। और सच बताऊं तो अगर आभास होता तो वो भी यही चाहता। नहीं पापा, मैं नहीं ले सकता। आपने इतना सोचा वही मेरे लिए काफी है, प्लीज। राज बेटा, ये तो नेक है, ये तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। ये तो बहुत गलत कर रहे हैं भैया, घर में एक बेटा और है, अक्षत। लेकिन यहाँ तो दामाद पर इतना कुछ लुटाया जा रहा है, अक्षत का हक मारा जा रहा है, ये नहीं हो सकता। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पता है राज, जब से तुमसे प्यार हुआ ना, बस एक ही तमन्ना थी मेरे दिल में, वो अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ गुजरा। तुम हमेशा मेरे साथ रहो। इसी बिस्तर पर लेटे लेटे मैं तुम्हारे सपने देखा करती थी, हमारे सपने देखा करती थी कि हम साथ में बाहर जा रहे हैं, डेट्स पे जा रहे हैं, आंखों आंखों में बातें कर रहे हैं। और जब सो जाती थी तो वही मीठे मीठे सपने आते थे मुझे।
और यही वो कैलेंडर है ना जिस पर तुम हमारी लव स्टोरी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स मार्क करती थी। हमारी पहली डेट, पहली बार झगड़ा किया हमने, पहली मूवी डेट, सब कुछ। हाँ हाँ उड़ा लो मजा। अच्छा ठीक है ये बताओ, जब हमारी पहली मूवी डेट हुई थी तो वो दिन याद है तुम्हें? ऑफ कोर्स, तुम अपने कॉल से चुप के आई थी ना। क्या हुआ था वो नहीं पूछा था, तारीख बताओ। तारीख? What? तुम्हें वो डेट याद नहीं है? एक मिनट, 16 जून। One more. आ गया। Second July, पक्का। You know what? अर्पिता भाभी ने बिल्कुल सही कहती है। तुम हस्बैंड ना, शादी के बाद तुम्हारी मेमोरी वीक हो जाती है, इंपॉर्टेंट चीज तो याद ही नहीं रहती तुम्हें। राज, आज तुम मूवी डेट भूलो, कल तो मेरा बर्थडे भूल जाओगे। और परसों एक मिनट, परसों वर्षों कुछ नहीं अवनी, तुम्हारा बर्थडे मुझे याद है, 11 जनवरी, राइट? नो राज, दैट्स नॉट माय बर्थडे। April, तुम्हें पहली बार देखा था मैंने। 18 मई तुमसे पहली बार फोन पे बात की। 7 जून हमारी पहली मूवी डेट। 18 दिसंबर तुम्हारा बर्थडे। 14 जनवरी अक्षत भैया का बर्थडे। भैया राज को इतना कुछ दे रहे हैं कि तेरे लिए कुछ खास बचा ही नहीं है। वो आपकी कैसी बातें कर रही है? देख अक्षत, मैंने दुनिया देखी है और ये बात साफ है कि भैया तुझसे ज्यादा अहमियत अपने दामाद को दे रहे, उस राज को। चलो अच्छी बात है, रिश्ते संभल गए, अचानक इतना प्यार उमड़ आया, लेकिन ऐसी बात क्यों भाई? आखिर बिजनेस में इतनी मेहनत किसकी लग रही है? तेरी ना, और वो राज उसे मुनाफा लूटेगा। वो ऐसा, ये जो कुछ भी है ये अपनी का ही तो है। ये मेरे सावरा, मैं कैसे समझाऊं तुझे? देख, मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, लेकिन प्रताप जी ने आज तक इस घर से कभी कुछ नहीं मांगा, ना ही कभी कुछ लिया है, और उस राज के लिए पहले दिन भंडार खोल दिया। वाह भाई वाह। जरा सोच अक्षत, तेरी भी अपनी एक फैमिली है, आगे चल के तू भी अपने परिवार को आगे बढ़ाएगा, तो फिर जिस पर बेटे का हक है वो हक दामाद को क्यों मिले? बुआ साहब, नेक ही तो दिया है, और अगर ये नेक देखकर डैड को खुशी मिलती है तो फिर बुराई क्या है? हाँ वो खाप इतनी सीरियस हो गई, अब रिलैक्स। हे मेरे सावरा, ये लड़का अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुला है, कैसे समझाऊं इसे?